जय हिंद दोस्तों, बरसात का मौसम शुरू हो गया है और ऐसे में बहुत सारे लोग जिनके गाड़ी का वाइपर अगर प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है तो उन्हें अपने गाड़ी का वाइपर ब्लेड चेंज करने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जब हम बरसात में चलते हैं और शीशे पे पानी लगातार गिरती है, उस कंडीशन में अगर हमारे गाड़ी का वाइपर सही से काम नहीं करेगा तो मेजोरिटी चांसेस होते हैं एक्सीडेंट होने के। और यह जरूरी नहीं है कि हम हमेशा सर्विस सेंटर जाकर के ही अपनी गाड़ी का वाइपर चेंज करवाएं। तो अगर आप रास्ते में चल रहे हैं और कहीं भी आपको व्हीकल पार्ट्स के दुकान मिल जाते हैं तो आप वहां से जाकर के कोई भी ऑर्डिनरी वाइपर अपनी गाड़ी में लगा सकते हैं। आज की वीडियो में हम लोग यही देखने वाले हैं कि अगर आप कहीं से भी अपनी गाड़ी के लिए वाइपर ब्लेड खरीद लेते हैं तो एक तो कैसे खरीदेंगे, तो उसके लिए उनका साइज नापना होता है, वह भी इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। और अगर आपने ब्लेड खरीद लिया तो फिर उसे अपनी गाड़ी में लगाएंगे कैसे, अगर आप उसके स्टाफ से लगवाएंगे तो वह उसे चेंज करने का भी 50 से 100 रुपया चार्ज कर देता है, तो बेहतर है कि आप खुद से सीख लीजिए ताकि आप राह चलते कहीं से भी वाइपर ब्लेड नया खरीद लें और अपनी गाड़ी का वाइपर खुद से चेंज कर सकें। चलिए देखते हैं। ये जो वाइपर है हमारा, ये हो या वो हो, जो भी आपको करना हो, उसको यहाँ पर एक उंगली ऐसे फंसाएंगे और बड़े ही आराम से इसको ऐसे उठा देंगे। इसको ऐसे उठाने के बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे करके यहाँ से पकड़ के इसको आराम से, ये थोड़ा सा लॉक होगा, इसको ऐसे कर देंगे। ये करने के बाद जब आप ध्यान देंगे यहाँ पे, तो ये यहाँ पे एक छेद आपको दिख रहा है और इसके नीचे ये एक बटन दिख रहा है। इस बटन को आराम से नाखून से ऐसे प्रेस करेंगे। मैं एक हाथ से कर रहा हूँ इसलिए दिक्कत हो रहा है। इसको ऐसे पकड़ के, एक हाथ से पकड़ के इस बटन को ऐसे दबा के इसको और नीचे की तरफ इसको खींचेंगे। ये देखिए, जैसे ही नीचे खींचेंगे ये आराम से एकदम जो है अब देखिए कि निकल जाएगा। एक बार हमने इसको करके नीचे खींच दिया, अब बड़े आसानी से इसको इस साइड से देखिए, यहाँ पे ये इसमें फंसता है, इसको इधर करेंगे, इसको थोड़ा सा उंगली से प्रेस करके और इसे निकाल लेंगे। ये आराम से हमारा निकल गया है। अब अगर मान लीजिए कि फिर से हमको इसको लगाना है, कोई नया वाला मान लीजिए हमने इसके बदले परचेज कर लिया, तो कैसे लगाएंगे? देखिए, सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, ये वाइपर ब्लेड लेना है और ब्लेड में देखना है, ये देखिए एक तरफ से ये एकदम प्लेन होगा और दूसरे तरफ से जो है इस पर कुछ कुछ लिखा हुआ रहेगा। ये देखिए, इसका इसका मार्किंग इस पर रहता है। ये देखिए, ये मार्किंग है इसका, ये लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ पार्ट को हमने ऊपर लिया, इसको एकदम सीधा सीधा रखेंगे और इसके लेफ्ट साइड जो ये होल है, ये इसमें हमको घुसाना है। ये देखिए, ये ऐसे किया और कुछ नहीं करेंगे, ये वाला जो है ना, ये जो लाइन दिख रहा है, ये वाला जो लाइन है, इसको इसमें ला करके ये इसमें और इसमें सीधा कर देंगे और ये टिप की आवाज़ के साथ सेट हो जाएगा। देखिए, एकदम आसानी के साथ ये लिया हमने, इसको लेफ्ट वाले होल में ऐसे लगाएंगे, ऐसे लिया, इसको थोड़ा इधर किए और ऐसे करके, और देखिए एकदम एक झटका देंगे, देखिए टिप किया, डन हो गया, बस ऑल सेट। देख लेंगे लिखा हुआ पार्ट नीचे आ गया है, ये ऐसे जाएगा और लिखा हुआ पार्ट नीचे है, प्लेन वाला पार्ट ऊपर है। बस लगाने के बाद आप चाहें तो मैच कर सकते हैं कि आपका जो पहले से इंस्टॉल्ड वाइपर है, देखिए इसमें भी प्लेन वाला ऊपर है और लिखा हुआ पार्ट नीचे है। आप लोग हमारा वीडियो देखते तो हैं लेकिन आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके साथ ही अगर आप भी हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो वीडियो का कमेंट बॉक्स हमने आपके लिए ही खुला हुआ छोड़ा है। अगर आप गाड़ी से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं और हमसे डायरेक्टली कुछ पूछना चाहते हैं और हमसे फास्टर रिस्पॉन्स चाहते हैं, तो सभी सोशल मीडिया का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए, वहां पर आपको मेरे से फास्टर रिस्पॉन्स मिलेगा। आप सभी कार ओनर फ्रेंड से यह वीडियो शेयर कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।